सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मोहित आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मिस्टर मोटो में। सो आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं अपनी बाइक जो कुछ अभी ऐसी दिख रही है सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट सुपर मोटो स्टाइल में देने की कोशिश कर रहा हूँ बाइक को। सो सामने ऐसा काफ़ी ही मतलब टूरिंग ओरिएंटेड और एक थोड़ा सा बिग बल्क एरिया दिख मैं करने के वाला हूँ। आज हम इसको हटाने वाले विंडस्क्रीन को और मैं कोशिश करूँगा कि नंबर प्लेट लगा लूँ क्योंकि पिछले नंबर प्लेट ऑलरेडी बाइक पर नहीं है, तो एटलीस्ट वन प्लेट तो बाइक पर होनी चाहिए। तो विंडस्क्रीन हटाएंगे, नंबर प्लेट की कोशिश करूँगा यहीं पर लगाऊँ, नहीं तो देखते हैं कहाँ लग पाती है। पर मेरी पूरी कोशिश है कि इसी एरिया में नंबर प्लेट लगे ताकि वो थोड़ा सा जो एक्सपोज वायरिंग रहे मे बी इसके पीछे इसको कवर करे थोड़ा बहुत। तो चलो शुरू करते हैं, डायरेक्ट गोप्रो पे शिफ्ट करके आपको मिलता हूँ। हाँ तो भाई लाइट निकल गई है और गोप्रो ने थोड़ा धोखा दे दिया, मैं आज 4K पे रिकॉर्ड कर रहा था तो वो थोड़ा हीटअप हो गया है। ये लाइट निकली है इस कपलर से, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कपलर के बाहर पिन होती है, इस पिन को जरा सा आपको दबाना होता है, इसको बाहर खींचना होता है। तो लाइट हमने हटा दी है, लाइट को मैं नीचे रख देता हूँ अच्छे से और इस तरह का थोड़ा सा। तो अभी आपको यहाँ पे क्लैंप दिख रहा हुआ एक हीरा और एक हीरा, अगर मैं इन दोनों को खोलूंगा तो ये विंडशील्ड ऐसे ही बाहर आ जाएगी, फिर मैं बाद में इसको खोलने का ट्राई कर सकता हूँ आराम से। तो अब इन दोनों को खोलते हैं ज़रा। हाँ भाई हमारी विंडशील्ड बाहर आ गई है और ये मैं दिखा रहा था ना आप लोगों को फोकस, हाँ ये देखो बोर्ड पूरी तरह से ख़राब हो गया है, इसको कभी कहीं बाहर खुलवा लूँगा मैं। अभी मैं सोच रहा हूँ जो बीच वाला मिडिल ब्रैकेट इसको खोल लूँ और इसकी यहाँ से यहाँ एक पत्ती बना के वहाँ पर लगा लूँ, मुझे दो छोटे छोटे ब्रैकेट लेके आने पड़ेंगे उसके फ्रंट प्लेट्स आती है नॉर्मली, और ये काम तो हमारा ईजिली हो जाएगा। वैसे अभी बिना हेडलाइट और बाइक कुछ ऐसी लग रही है, हेडलाइट ढक जाएगी तो मतलब यार ऐसे इंटर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है दिखने में, बुरा नहीं लग रहा, अच्छी लुक आ रही है इसकी, अच्छा श्राउड कवर कर रखा है, मतलब गद्दा दिखने का जगह इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, जरा हम हेडलाइट वगैरह वापस थ्रो कर देते हैं अंदर और देखते हैं इसकी कैसी लुक आती है बिना नंबर प्लेट के, बाद में नंबर प्लेट तो हमें लगा ही देनी है। तो भाई हमारे गोप्रो ने फिर धोखा दे दिया, वो भी नहीं चला, गैस ओवरहीटिंग की दिक्कत। तो हेडलाइट का कपलर मैंने लगा दिया था, अब जरा हेडलाइट फिट करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। और हेडलाइट को ज़रा फिट करना ट्रिकी है, मैं बता देता हूँ क्यों। आप देख रहे हो यहाँ पे दो छेद हैं और वहाँ पे दो पिन्स हैं, एक हमारे बोल्ट का छेद है और एक पिन है, तो पीछे वाले में लगती है हमारी पिन, आगे डलता है बोल्ट और इनके बीच में आती है एक रबर सील, ये दोनों साइड होती है। यहाँ पे ये रही एक फोकस बाबा फोकस, एक ये रही और एक वो रही। तो जब भी हेडलाइट लगाओ ध्यान से लगाना, अगर खुद खोल रहे हो तो, अगर कोई मैकेनिक खोल रहा है तो भाई उसको भी अगर बता देना अगर फर्स्ट टाइम खोल रहा है तो वो ये सील्स, और कई बार भाई ये सील्स कट भी जाती हैं ओवरलैप होने की वजह से, तो ध्यान से करना, जरा फिट करता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस रेडी हो जाओ न्यू लुक देखने के लिए, 1 2 3। हाँ तो भाई कोई नया लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जिन लोगों को पसंद नहीं आया तो ये मत कहना कि भाई तुमने इसकी लुक बिगाड़ दी, टूरिंग के लिए वह बड़ा वाइजर अच्छा होता है वो हवा काटता है, जिसके लॉन्ग टूरिंग करनी होती है बड़े हाईवेज पे जाना होता है उसके लिए मानता हूँ वाइजर बहुत अच्छा है, वाइजर इतना बड़ा उतना अच्छा है, क्योंकि जो नए वाली प्रो सीरीज उसमें इससे भी बड़ा वाइजर आया है फ्रंट में, विंडशील्ड आई है। तो मुझे मोर ऑफ नेकेड लुक चाहिए था, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं सुपर मोटो स्टांस के लिए जा रहा हूँ उसमें से, तो ये सामने जितनी क्लीन होगी उतना बेटर है, तो अभी काफ़ी क्लीन लग रही है, मैंने कोशिश करी पूरी क्लीन करने की। मैं सोच रहा हूँ इसके जल्दी ही लेग गार्ड्स भी हटा दूंगा और क्लीन लुक देने के लिए, और कुछ नया रूप देखते हैं अच्छे से क्लीन के जरूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है हमारी बाइक। और दूसरी बात नंबर प्लेट के लिए, तो मैंने सोचा है कुछ नंबर प्लेट के लिए अभी, तो मैं सोच रहा हूँ नंबर प्लेट को मैं यहाँ ऐसे चिपका दूँगा, काफ़ी हद तक क्लीन है। मैं देखो लाइसेंस प्लेट मतलब नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सोच रहा हूँ चिपका दूँ या तो इसके अंदर दो छेद करके बोल्टी मार दूँ इसमें, वो भी ठीक रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा यही आइडिया अच्छा है यार, बोल्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर रख के दो निशान बनाए जाएँ आर पार छेद किया जाए और वो लगा दी जाए क्या बोलते हैं उसको दो बोल्ट। तो ऐसा करके बाद में मिलता हूँ, मेरे को मेरे घर से कॉल आ गया है जरा ऊपर जाना पड़ेगा, अभी हम बेसमेंट पार्किंग में थे बेसमेंट कह रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर है, तो इसको करके आप लोगों को आगे का दिखाऊंगा कैसा आ रहा है सब कुछ। अभी तक यहीं पे थोड़ी देर मिलते हैं नंबर प्लेट वगैरह लगाने के बाद, और लाइट यहाँ से अच्छा है तो लुक यहाँ पे अच्छा आएगा हमारा। सो मैं सोच रहा हूँ यार कुछ फेस पे भी नया लुक ट्राई किया जाए, थोड़ी गाड़ी वाड़ी और हेयर्स के साथ नया कुछ ट्राई करें, तो देखते हैं क्या रहेगा। आप लोगों को जल्दी मिलते हैं, मे बी संडे को संडे राइड करके आए छोटी मोटी, और गोप्रो का भरोसा नहीं मैं यूज़ करूँ ना करूँ मे बी, तो देखते हैं क्या रहेगा हमारा संडे का। तो अब ये फ्राइडे ये हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है मैं कल तक वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगा, चांस है पक्का नहीं कह रहा मैं, ठीक है।
तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। मैं देख सकते हो एक ये और एक ये दो छेद करे और हाँ अभी सब कुछ लूज किया है वापस ये सब, क्योंकि इसके नीचे से बोल्ट करने थे। ये बोल्ट मैं यूज करने वाला हूँ, मेरे काफी टाइम से पड़े थे, मैं पता नहीं क्यों लेके आया था परखेज के दादा। हमने छेद कर दिया है, मैंने चिपकाने वाला रास्ता सही नहीं समझा, मैंने छेद करके इसको यहाँ पे लगा दिया। दो छेद हो गए हैं प्रॉपर, बाहर निकालना है, बोल्ट लगाने हैं और वापस सब कुछ टाइट कर देना। हाँ तो भैया कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका नेम प्लेट लगने के बाद, और मैं तेरा वीडियो लेना भूल गया था तो इसलिए मैंने बाइक पेडॉक से उतार के सीधी खड़ी कर दी थी। कोई नहीं, एंड शॉट है, देख लीजिए आप लोग एक बारी। नेम प्लेट काफी कूल लग रही है, सही है दिखाने के लिए तो है ही एक्चुअली, कि मेरा नंबर प्लेट है बस यही चाहिए था हमें। बाइक काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई है सामने से। अब मैं सोच रहा हूँ राइजर्स भी हटा दूँ, उसको थोड़ा सा और डाउन लुक आ जाएगा हैंडल बार के साथ, देखते हैं फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो यही था आज की वीडियो में, आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे हमारी सुपर मोटो बिल्ड सीरीज के साथ। धीरे धीरे बाइक शेप में आ रही है, फुल एंड फाइनल जल्दी होता रहेगा धीरे धीरे करके, मे बी दिस ईयर तक मैं पूरी तरह कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मैं चीज़ें काफ़ी टेस्टफुली कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छी और समझ में आ रही है मैं चीज़ें वही कर रहा हूँ। अननेसेसरी जरूरत नहीं है कि भाई ये भी डाल दो वो भी डाल दो ऐसे डाल दो ऐसे डाल दो, तो चीज़ें बहुत चूजी इन पिकी पिकी कर रहा हूँ मैं बाइक में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक बड़ी हेल्प मिलती है हमारे एक्सपर्ट्स वाले, मतलब जो ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं या फिर जो केरला साइड साउथ साइड बंदे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बिल्ड करते हैं यार, तो उनको इंस्टा और यूट्यूब पे देख के मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि बाइक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को अच्छे से साउथ बिल्ड्स देखने हैं ना एक्सपर्ट्स के, तो साउथ में जरूर ट्राई करें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि आपको कोई साउथ के या एक दो मैंने बंदे देखे हैं, आसाम में भी एक दो बंदों ने काफ़ी अच्छी बिल्ड करी हुई है एक्सपर्ट्स, तो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स तो बन ही रही है धीरे धीरे करके, चीज़ें बदल रही हैं बदल रही हैं बदल रही हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं परफॉर्मेंस वाइज भी एंड लुक्स वाइज भी। अगला मैं सोच रहा हूँ इसका टायर और इसकी सीट, दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टायर तो मस्त है इसके लुक के लिए और सीट मेरे कम्फर्ट के लिए, क्योंकि ये सीट है तो अच्छी बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि अच्छा कम्फर्ट है, और ये लुक्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो टायर और सीट दो चीज़ें कन्फर्म है नेक्स्ट चेंज होनी, तो देखते हैं पहले क्या हुआ है सीट है टायर। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।